दोस्तों, आशा की होप में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग स्वस्थ होंगे और हम भी स्वस्थ हैं। देखिए, आज हम चल रहे, ये अरवी के पत्ते मैंने निकाल रखे हैं, गमले में लगाए थे, तो इतने होंगे 8-10। इसको हम चल रहे हैं अब इसका सकौड़ा बनाने। सकौड़ा बनाने के लिए इसको हम चल रहे हैं काटने, और ये बेसन ले रखे हैं, इसमें इसको मिलाएंगे। तो अब चल रहे इसको हम काटने। देखिए, हम सब ऐसे दो के एक के ऊपर एक इसको तह बना लिए हैं। अब चलना है इसको हम काट रहे हैं, हाथ में ऐसे पकड़ेंगे। अब देखिए, ये कट चुका है। अब इसमें हम चल रहे हैं थोड़ी हल्दी मिलाने, और नमक मिलाएंगे। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, लहसुन अदरक और हरी मिर्च, ये पेस्ट है। कम से कम ये 2 चम्मच डालेंगे। चलने इस बेसन को इसमें मिलाएंगे। ये सभी चीजों को हमने मिला लिया एक साथ। देखिए, बेसन के साथ सब मिला लिया। अब इसको चलना है तलने, पकौड़े के रूप में तलेंगे इसको। तेल गरम हो रहा है। देखिए, मैंने इसको गरम मसाला ये लिए हैं, ये मसाला हम पीस के ही डालेंगे। इसमें धनिया है, जीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, ये सब मिला हुआ है। अब इसको भून ले रहे हैं तवे पे, तब इसको हम पीसेंगे। तो अब हम भून लिए हैं, चटक गया है, भून गया है। अब ये भून गया है, इसको हम दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं, नहीं तो ये जल जाएगा एक तरफ से। ये देखिए, सोयाबीन है 50 ग्राम के करीब है। इसको हमने भून के रख, भिगो के आधा घंटा पहले रख लिए थे। इसको अब भून रहे हैं, निचोड़ दिए हैं इसको, पानी इसका हटा दिए हैं, और इसको हम भून रहे हैं। इसको भून लेंगे तब बनाएंगे पकौड़े। देखिए, अब ये लाल हो गया है, देखिए ब्राउन कलर हल्का हल्का हो गया। अब इसको हम निकालने जा रहे हैं। ये हम सरसों का तेल डाले हैं, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब ये जो हम ये बनाए थे अरवी के पत्ते को, इसको हम तलेंगे। तलने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा नहीं तलेंगे, टाइट हो जाएगा, बस निकाल देंगे। तेल हमने ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़े ही तेल में हम तल रहे हैं। इसको बस थोड़ा सा टाइट हो जाए, बस इसको हम निकाल लेंगे, इसलिए क्योंकि ये पकेगा। अब इसको हम निकाल ले रहे हैं। देखिए, बस इतना ही टाइट की आवश्यकता इसमें पड़ती है।
हमारा ये रतन जोध है, ये लाल कर देगा खाने को, देखिए। फिर ये हमारा थोड़ा सा खड़ा मसाला ले रहे हैं गरम, इसको डाल दिए। फिर ये तेज पत्ता डाल दिए। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं प्याज, दो प्याज है कटी बड़ी बड़ी, इसको हम डाल देंगे। अब इसको भून लेंगे, प्याज लाल हो जाए थोड़ी। ये दो टमाटर हैं दोस्तों, इसको भी हम पीस ले रहे हैं। और ये हरी मिर्च है, इसको हम खड़ा ही ऐसे डाल देंगे। अब इसको हम भून रहे हैं। ये प्याज को हमने तल के निकाल लिया है। अब ये तेल, इसी तेल में हम देखिए ये थोड़ा सा हींग डाल देते हैं। ये हींग डाल दिए, हींग डाल के ये एक प्याज पीसे हैं, इसको हमने डाल दिया। ठीक, अब इसी हाथ लगे ये मसाला डाल दिया जो पीसे थे। अब इसमें डाल दे रहे हैं साथ में हल्दी, एक चम्मच के करीब हल्दी डाल दे रहे हैं। अब इसमें नमक डाल देंगे, नमक इसके स्वाद के अकॉर्डिंग डालेंगे। और देख रहे हैं हम कितना पानी डालेंगे, ये सोच के ही हम डालेंगे नमक। और ये अदरक लहसुन मिर्चे का पेस्ट है, तीन चम्मच के करीब है, इसको डाल दे रहे हैं। अब इसको हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। तो इसको जा रहे हैं ढक्कन लगाने, लगा के भून लेंगे। ये देखिए हमारे मसाले भून चुके हैं। अब इसमें हम जा रहे हैं ये टमाटर प्यूरी, जो टमाटर पीसे थे उसे हम इसमें डालने जा रहे हैं। इसको भी डाल के थोड़ा भून लेंगे। ये लाल मिर्च है एक चम्मच के करीब, इसको भी हम डाल दे रहे हैं, कुटी है मिर्च। और ये गरम मसाला है एक चम्मच के करीब, इसे हम डाल दे रहे हैं। अब इसको हम एक बार और भून लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ तक आ चुका है। अब एक चम्मच के करीब हम सौंठ डाल देंगे और ये एक चम्मच, एक तिहाई करीब करीब डालेंगे, एक चम्मच के करीब ही डालेंगे। ये पीसी मेथी है, इसको पीस के मैंने रख लिया है। दालों को भूनेंगे एक साथ। ये देखिए मसाला भून गया है, कढ़ाई से तली छोड़ने लगा है मसाला। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पहले बिल्कुल फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, फिर इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी हम ये गरम किए हुए हैं, ये यहाँ पर इस पानी को डाल देंगे गरम पानी। क्योंकि इसमें थोड़ा सोयाबीन भी सोखेगी, थोड़ा पकौड़ी भी सोखेगा, इसलिए इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। अब हम फ्लेम को तेज कर देंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम कर देंगे और इसको एक उबाल आने तक इसको पकाएंगे। देखिए ये उबल चुका है, इसमें मसाला भी पका है, पानी भी गर्म है, तो बहुत ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है। ये उबल चुका है। अब इसमें एक से डेढ़ चम्मच के करीब हम आम का अमचूर पाउडर डाल दे रहे हैं। फिर इसके बाद हम तुरंत इसे डाल देंगे। देखिए दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा उबलना नहीं चाहिए, बस जैसे उबाल आए फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिए, नहीं तो बहुत उबाल आएगा, ये उबाल होकर उड़ेगा तो इससे इसके तेल मसाला उड़ सकते हैं।
इसलिए अब इसे हम थोड़ा खोलने देंगे। देखिए दोस्तों, ये जब तक खोल रहा है तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ताकि हम आगे बढ़ें। ये देखिए खोल गया है, फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिए नहीं तो ये उड़ने लगेगा। अब दोस्तों इसको हम 2 मिनट तक इसको हम इस तरह से खुला पकाएंगे, धीमी आंच पे, मीडियम आंच पे। अब देखिए ये खोल चुका है। अब इसको हम ये जो मसाले भुने थे, प्याज और गरम मसाला खड़ा, इसको हम इसमें डाल देंगे और डाल के थोड़ा ऐसे चला के और गैस बंद कर देंगे। अब देखिए ये हमारा हो गया है। देखिए ये बहुत सुंदर टेस्ट है, बहुत सुंदर देखने में भी लग रही है, खाने में भी अच्छी लगेगी। दोस्तों अभी हमारा तैयार हो गया, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। आपके पास धनिया हो तो आप छिड़क दीजिए, हमारे पास इस समय नहीं है। दोस्तों हमारी कितनी बढ़िया सब्जी तैयार है, सकौड़ा, ये अरवी के पत्ते का चावल, रोटी। आप सलाद काट लीजिए, खाइए, हम तो काटे नहीं है कि दें आप लोगों को। तब तक के लिए दोस्तों खाइए, मस्ती करिए, स्वाद लीजिए, और तब तक के लिए टाटा।